अहोई माता की व्रत कथा। अहोई माता की व्रत कथा सुनने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस दिन निर्जला रह के व्रत करती है और शाम को अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ती है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7ों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बहुत नाराज हुई, बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों से बोली, तुम 7ों में से एक भाभी अपनी कोख बंधवा लो ना। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, मैंने अपनी कोख बनवाने से इनकार किया तो सासू माँ भी बहुत नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वो मर जाता। एक दिन एक पंडित जी को बुलवा कर पूछा कि मेरी संतान 7 दिन में क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही का गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरा बच्चा हो जी जाएगा। अब छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करने लगी। सुरही गाय ने सोचा, रोज मेरी साफ सफाई कौन करता है, मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेर जल्दी उठकर देखती है कि साहूकार की छोटी बहू उसकी साफ सफाई कर रही है। वह साहूकार की बहू से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बता क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है, और वो साहूकार की बहू को साथ लेकर समुद्र पार करके अपनी भाईली को लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार दिया और वहीं मिट्टी में दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बीवी को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को रक्षा की है, सांप से बचाया। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। बहू बोली, 7 समुद्र पार। बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें सिर्फ तुम उसके पास पहुंचा दो, आपका यह एहसान होगा। तब गरुड़ पंखनी ने अपने पंखों पर बिठाया और तुरंत स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन दोनों को देखकर बोली, बहन आज तो बहुत दिनों बाद आई हो। स्याहू माता ने सुरही गाय से कहा, तुम साहूकार की बीवी से कहकर मेरी जुएं साफ करवा दो। तब साहूकार की बहू से उसकी सारी जुएं साफ कर दी। तब साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं साफ कर दी। स्याहू माता प्रसन्न हो गई, बोली, तूने मेरे सर में बहुत बार सलाई घेरी है, इसलिए मैं तेरे 7 पुत्र होंगे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली, माँ ये कैसे होगा, आपने तो मेरी कोख बांध रखी है, मेरे तो एक भी पुत्र भी नहीं है, इसीलिए मेरे साथ। स्याहू माता प्रसन्न हो गई, बोली, तूने मेरे सर में बहुत बार सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 पुत्र होंगे और 7 वधू। स्याहू माता प्रसन्न हो गई, बोली, तूने मेरे सर में बहुत बार सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 पुत्र होंगे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली, माँ ये कैसे होगा, आपने तो मेरी कोख बांध रखी है, मेरे तो एक पुत्र भी नहीं है। स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे प्यार से ठग लिया, अब वचन दे दिया है तो तेरे 7 पुत्र होंगे और 7 बहुएं भी होंगी, घर जाके कढ़ाई करियो। उसने घर आकर देखा तो सच में घर में पुत्र व पुत्र वधू मिले। उसने 7 पोही बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम होते ही जैसे ही जिठानियां बोली, जल्दी जल्दी पूजा कर लो वरना देवरानी रोने लगेगी।
पूजा में विघ्न पड़ेगा। थोड़ी देर में बच्चों को कहा जाओ चाची क्या कर रही है देख कर आओ। तब बच्चों ने सारी बात बताई। जेठानिया दौड़ कर आई और उसने सब हाल बताया, जैसे स्याऊ माता ने अपनी कृपा से साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार माता सभी को संतान प्राप्ति का सुख दे। सभी प्रेम से बोलो अहोई माता की जय। उसी प्रकार माता सभी को संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करे। सभी प्रेम से बोलिए होई माता की जय। हाथ में गेहूं या हल्दी चावल लेकर ही वही हाथ में गेहूं या हल्दी चावल लेकर ही वही अष्टमी माता की कथा करनी चाहिए, सुननी और सुनानी चाहिए। बोलो अहोई माता की जय।